नमस्कार। आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास का जो हमारा दूसरा अध्याय है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, उस दूसरे अध्याय में जो हमारा हम गुप्तकाल के बारे में अभी पढ़ रहे हैं इन वीडियो में, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो गुप्तकाल के आर्थिक जीवन से संबंधित है। गुप्तकाल के आर्थिक जीवन के हमने तीन पक्षों की जानकारी प्राप्त कर ली थी, कृषि के बारे में, पशुपालन और उद्योग के बारे में। अब हम गुप्तकालीन आर्थिक जीवन से संबंधित व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यापार जो था वो आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों का था। आंतरिक यानी देश के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर, और बाह्य यानी विदेशी व्यापार जो पड़ोसी देशों के साथ किया जाता था, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आंतरिक व्यापार और दूसरा विदेशी व्यापार, दोनों प्रकार के व्यापार जो थे प्रचलन में थे। पहले हम आंतरिक व्यापार के बारे में ही पढ़ेंगे। आंतरिक व्यापार सड़कों से, नदी मार्गों से होता था, यानी ये दो मार्ग सड़कों से या नदियों के रास्ते से आंतरिक व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार की विशेषता पढ़ रहे हैं। आंतरिक व्यापार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं का लेन देन होता था। वस्तुओं का व्यापार, ठीक है। तीसरी इसकी विशेषता, गुप्तकालीन आंतरिक व्यापार के रास्ते, व्यापार के रास्ते या मार्ग मार्ग सुरक्षित थे। ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई आंतरिक व्यापार की। विशेषता, ठीक है। आंतरिक व्यापार सड़क और नदी मार्ग से होता था, इसके साथ साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं का लेन देन होता था, और साथ में जो मार्ग थे वो सुरक्षित थे। नारद व बृहस्पति स्मृति में क्रेता व विक्रेताओं के हितों की व नियमों का उल्लेख उज्जैन, मथुरा कौशाम्बी पाटलिपुत्र विदिशा ताम्रलिपित बड़ोच व्यापार के प्रमुख केंद्र थे।
यानी ये जो नगर थे वो प्रमुख व्यापारिक नगर थे, व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, उज्जैन, मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, विदिशा, ताम्रलिप्ति, गड़ोज। उज्जैन मध्य प्रदेश, मथुरा ये उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र बिहार, विदिशा मध्य प्रदेश, ताम्रलिप्ति बंगाल, गड़ोज गुजरात। ठीक है, तो ये आप नाम ध्यान में रख लोगे, पाटलिपुत्र बिहार, विदिशा मध्य प्रदेश। तो ये व्यापार के प्रमुख केंद्र थे उज्जैन, ये भी आपका मध्य प्रदेश। वैसे आप सबको ये तो सब ध्यान में ही होगा, फिर भी ये इसलिए बताया जा रहा है कि मानचित्र में जो है वो पाटलिपुत्र, विदिशा या बंदरगाहों के तौर पर ताम्रलिप्त या भड़ोच इस तरह जो है पूछ लिया जाता, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये किस राज्य में है, ताकि आप मानचित्र का अंकन सही कर सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके मानचित्र में इसी तरह के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए ये आप ध्यान में रखोगे। तो ये व्यापार के प्रमुख नगर थे, और इन नगरों में जो उज्जैन था ना वो सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर था। उज्जैन सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर था, और ये सबसे प्रमुख क्यों था, इसका कारण था कि प्रत्येक व्यापारी केंद्र की ओर जो जाने वाले रास्ते थे वो उज्जैन से होकर जाते थे, इसलिए सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और इसके साथ साथ पेशावर पाकिस्तान से संबंधित, ठीक है, पेशावर, मेरठ, मथुरा ये व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र थे। यानी जहां औद्योगिक उज्जैन मथुरा पेशावर प्रमुख औद्योगिक वे व्यापारिक केंद्र थे, ये तीनों औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र थे। इस प्रकार हमने आंतरिक व्यापार की कुछ विशेषताओं के बारे में जाना, ये आंतरिक व्यापार के कुछ प्रमुख केंद्र थे, और आंतरिक व्यापार में दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती उनका लेन देन होता था, और इसके साथ साथ क्रेता विक्रेता के समान हितों की जो रक्षा उस समय की जाती थी, और गुप्त काल के जो व्यापारी थे और वो चोर डाकुओं से सुरक्षित थे और पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से अपना व्यापार करते थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं विदेशी व्यापार, अगला हमारा बिंदु है विदेशी व्यापार। तो गुप्त काल में किन किन देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे, चीन, श्रीलंका, फारस जो ईरान, ठीक है, अरब देश के बारे में जानकारी, सऊदी अरब, इथोपिया यानी अफ्रीका में, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इथोपिया और बेंजर टाइम यानी रोमन साम्राज्य, रोम से संबंधित, ठीक है, साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे। यानी गुप्त काल में चीन के साथ, श्रीलंका के साथ, फारस जो ईरान, ठीक है, ईरान इराक आप जानते हो,
सऊदी अरब, फिर ये इथोपिया यानी अफ्रीका महाद्वीप का देश, रेंजर टाइम यानी रोमन साम्राज्य से रोम से संबंधित, इटली यूरोपीय जो राष्ट्र है ना इटली, उसकी जो राजधानी रोम, तो रोमन साम्राज्य से संबंधित। तो इस प्रकार इन सब देशों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध था, और जो विदेशी व्यापार है वो समुद्री मार्ग से होता था। चीन का जो रेशम है, चीन का रेशम जिसे चीना शंकु कहा जाता था, भारत में आयात किया जाता था उसे, यानी चीन से भारत में मंगवाया जाता था रेशम। ठीक है, चीन से रेशम मंगवाया जाता था और ट्रांजिट टाइम को रेशम वे मसाले निर्यात किए जाते थे। ठीक है, रेशम और मसाले निर्यात किए जाते थे। इसके बाद विदेशी व्यापार के प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्त वे भड़ोच थे, एक पूर्वी बंदरगाह और एक पश्चिमी बंदरगाह। इसमें जो ताम्रलिप्त बंदरगाह है वो सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध बंदरगाह था, क्योंकि ये बंगाल की तरफ, तो ये पूर्वी भड़ोच गुजरात यानी पश्चिमी, से इन्हें पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं के अंतर्गत ध्यान में रखा जाता था। ये पूर्व में स्थित, तो पूर्व में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह जो था वो ताम्रलिप्त था, और पश्चिम में जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो भड़ोच था। दोनों बंदरगाहों में से ताम्रलिप्त जो था प्रसिद्ध था, ताम्रलिप्त बंदरगाह पर चीन, श्रीलंका व इंडोनेशिया इंडोनेशिया के व्यापारिक जहाज आते जाते थे। रघुवंशम और दस कुमार चरित्र में ताम्रलिप्त के व्यापारी समृद्धि का उल्लेख मिलता है। भारत से सूती रेशमी मलमली वस्त्र वे मसालों का निर्यात होता था। ईरान वे
देख लिया से घोड़े देख लिया से घोड़ों का आयात होता था। चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी दांत, अरब से घोड़ों का आयात होता था। तो इस प्रकार कुछ प्रमुख वस्तुएं इन देशों से मंगवाई जाती थी और इन वस्तुओं के बदले में भारत से जो है सूती रेशमी मलमली जो वस्त्र है, मसाले और इसके अलावा नील, अन्य धातु, हाथी दांत, इन सब का भी निर्यात किया जाता था। तो ये था विदेशी व्यापार। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में जो है करों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था और उसमें जो राजस्व का जो प्रमुख स्रोत था वो भूमि कर था। इस प्रकार गुप्तकालीन कर व्यवस्था राजस्व की प्रमुख स्रोत, राजस्व के प्रमुख स्रोत यानी प्रमुख रूप से कौन कौन से जो कर थे वो गुप्त काल में प्रचलित थे। ठीक है, गुप्त काल में भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था यानी सबसे अधिक कर जो थे वो किससे मिलते थे, भू राजस्व से। ठीक है, भू राजस्व से जो अधिक कर मिलते थे जो राज आय का प्रमुख स्रोत थे। साहित्यों में विभिन्न प्रकार के उस समय जो प्रचलित करते ना उनका उल्लेख है। विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख है, तीन प्रकार के कर उस समय प्रचलन में थे। ठीक है, पहला कर था भाग, कृषि उत्पादन का हिस्सा जो राजा को कर के रूप में दिया जाता था। यानी उत्पादन का 1/6 भाग कर के रूप में दिया जाता था, जैसे उत्पादन का 1/6 भाग, उत्पादन का 1/6 भाग यानी कुल उत्पादन हुआ उसका 1/6 भाग। ठीक है, इसके बाद ये तो एक कर था भाग और दूसरा जो कर था उसका नाम था भोग। कर का दूसरा भाग था भोग, राजा को प्रतिदिन फल व सब्जियों के रूप में प्राप्त होता था। ठीक है, ये कर का दूसरा भाग था। उसके बाद तीसरे प्रकार के जो कर थे वो ऊपरी कर व उद्रक। ठीक है, ये ऊपरी कर और उद्रक ये दो प्रकार के कर और प्रचलन में थे, ये भी एक प्रकार के भूमि कर थे। ठीक है, अब जो भूमि कर थे
उसको प्राप्त करने के दो प्रकार थे, भूमि कर, दो प्रकार से अदा किया जाता था, एक था नगद, ठीक है, नगद है, दूसरा जो भाग था वो अन्न यानी अनाज के रूप में भूमि कर को दो प्रकार से अदा किया जाता, तो अन्न और या तो नगद भूमि कर चुका दिया जाता था या फिर अनाज के रूप में जो है भूमि कर दिया जाता था। इसके अलावा राजस्व के जो प्रमुख स्रोत, जैसे हमने अभी राजस्व का प्रमुख स्रोत जो है ना वो भू राजस्व था, तो उसके बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा भी राजस्व के कुछ अन्य स्रोत थे, राजस्व के अन्य स्रोतों में खनन, रत्न, धातु, नमक से भी राजस्व प्राप्त होता था, मतलब ये राजस्व के अन्य स्रोत थे। यानी जैसे खनन कार्य होता था, विभिन्न प्रकार के जो धातु निकाले जाते थे, जो रत्न प्राप्त होते थे, तो रत्नों धातुओं पर भी जो है राजाओं को कर प्राप्त होता था। इसके अलावा नमक पर भी कर लगाया गया था। इस प्रकार ये राजस्व के जो है प्रमुख स्रोत थे। इसके बाद अगले वीडियो में हमने व्यापार के बारे में आज पढ़ लिया। अब इस व्यापार के संचालन के लिए जो है संगठन की आवश्यकता होती है ना, व्यापारिक जो श्रेणियां होती है ना वो अपना एक संगठन बनाती है। जैसे वस्त्र कपड़ा व्यापारी है, उनका एक अलग संगठन हो गया। ऐसे ही जो कपड़ा बुनकर है उनका एक संगठन हो गया अलग से। तो आज हमने विदेशी व्यापार और आंतरिक व्यापार के साथ साथ राजस्व के प्रमुख स्रोतों की जानकारी प्राप्त की, और अगले वीडियो में हम व्यापारिक संगठनों की जानकारी प्राप्त करेंगे।